गीतांजलि पब्लिक हाई स्कूल, माई सेल्फ रमा राठौर, आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर चैप्टर 16, कैन कैन नॉट शुड शुड नॉट। चैप्टर 16, कैन कैन नॉट शुड नॉट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैन और कैन नॉट। यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंस दिए हैं, मैं रीड कर रही हूँ। आई कैन ड्राइव, आई कैन नॉट स्विम। अब ये कैन कब यूज करते हैं? जब हम वो काम कर सकते हैं, मतलब जब हम कोई काम कर सकते हैं तो हम बोलते हैं आई कैन ड्राइव, आई कैन ईट, आई कैन प्ले। कैन नॉट कब यूज करते हैं? जब हम कोई काम नहीं कर सकते, जैसे आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट ड्राइव। जब कोई काम नहीं कर सकते तो उसके लिए कैन नॉट यूज करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसके लिए आपको बताना है कि आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट वाला, सना डैश जंप रियली वेल, तो ये काम कर सकती है, इसलिए यहाँ पे कैन है। दूसरा वाला है रवि कैन कोम हिज हेयर, इसमें भी ये रवि ये काम कर सकता है, तो यहाँ पे भी उसने कैन यूज किया हुआ है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, सी जिम डैश वॉक राइट नाउ, तो इसके देखो फेस से लग रहा है कि ये नहीं चल सकता, इसलिए कैन नॉट यूज किया है। यहाँ पे डी वाला, प्लान डैश लिव विदाउट वाटर, तो प्लांट जो है वो पानी के बिना नहीं रह सकते ना, इसलिए कैन नॉट यूज किया है। अब देखो दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें भी हमको यही बताना है कि ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट वाला, कैन अ हॉर्स फ्लाई, क्या घोड़ा उड़ सकता है? नहीं ना, तो नो इट कैन नॉट। वैसे ही सेकेंड वाला, कैन अ बर्ड स्विम, नहीं, तो नो इट कैन नॉट। कैन अ लायन बार्क, नहीं वो नहीं भौंकता, तो नो इट कैन नॉट। कैन प्लांट्स टॉक, प्लांट्स बातें करते हैं? नहीं करते, इसलिए नो इट कैन नॉट। कैन ह्यूमन क्राई, ह्यूमन मतलब इंसान, इंसान रोते हैं? बिल्कुल रोते हैं, तो यस इट कैन। कैन एलिफेंट्स जंप, नो इट कैन नॉट। कैन वाटर फ्लो, पानी बहता है? यस इट कैन। कैन अ बॉय डांस, यस ही कैन। ये देखिए ये पूरी एक्सरसाइज हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज 3 में, वट कैन यू डू, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन दिस, मतलब आप लोग क्या क्या कर सकते हो उसके ऊपर आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हो, आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स, आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन प्ले फुटबॉल। ये काम तो मुझे लगता है सारे बच्चे करते हैं, इसलिए हमने ये 4 लाइन लिखी है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, इसमें आपको वो लाइन्स लिखनी, काम लिखनी है जो आप नहीं कर सकते। तो देखो क्या लिखा है, आई कैन नॉट स्विम, आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो अभी। आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, आप कार नहीं चला सकते हो। आई कैन नॉट कुक फूड, आपको अभी खाना बनाना भी नहीं आता है। और आई कैन नॉट वॉश माई क्लोथ्स, आप अभी अपने कपड़े भी नहीं धो पाते। तो ये 4 लाइन हो गई कैन नॉट की। अब देखो दूसरा है, शुड और शुड नॉट कब यूज़ करते हैं। कैन और कैन नॉट तो पता है, कब यूज़, कैन कब यूज़ करते हैं, जब हम काम कर सकते हैं, और कैन नॉट जब हम काम नहीं कर सकते। अब शुड कब यूज़ करते हैं, शुड तब यूज़ करते हैं जब हमको वो काम करना चाहिए, और शुड नॉट कब यूज़ करते हैं, जब हमको वो काम नहीं करना चाहिए। ओके तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 4 है, इसमें आपको लिखना है कि कौन सा काम आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट वाला है, वी डैश क्राउड अराउंड द पेशेंट, यानी जब कोई बीमार हो तो हमें उसके यहाँ पे क्राउड नहीं करना चाहिए, है ना, ये तो नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट। बी वाला, वन डैश बिलीव इन लायर, यानी जो झूठ होते हैं उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट। नवीन डैश मीट मी बिफोर ही लिव्स, तो शुड। अनु डैश लीव नाउ इफ ही वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, इसमें भी शुड। आई शुड नॉट बी एंग्री एट एनी वन फॉर नो गुड रीजन। एफ वाला देखो, सिया डैश एक्सरसाइज आफ्टर डिनर, शुड नॉट। इट जनरली रेन
on a sunny day. It generally should not rain on a sunny day. Okay, now come to next page. H, we should make them comfortable for they are our guest. तो यहाँ पे should. अब देखो एक्सरसाइज फाइव है, इसमें क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग देयर फॉर्म फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. यानी अगर सेंटेंस में आपको पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना है, और अगर नेगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना है. ये देखिए फर्स्ट वाला यहाँ करके बताया है, यू शुड नॉट लिव. नॉट मतलब ये नेगेटिव, अगर जिसमें नॉट आता है वो नेगेटिव होता है. तो ये नेगेटिव है तो हमको इसको पॉजिटिव बनाना है. तो ये कैसे बनाया, यू शुड लीव विदाउट टेलिंग योर होस्ट. अब देखो बी वाला, द फिश कैन स्विम. तो इसमें हमें ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, द फिश कैन नॉट स्विम. सी वाला देखो, आशा कैन नॉट मेक ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन. तो इसमें देखो कैन नॉट है तो हमें नॉट हटाना पड़ेगा, आशा कैन मेक ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन. डी, आई कैन क्लाइंब दैट माउंटेन. तो इसका हो जाएगा आई कैन नॉट क्लाइंब दैट माउंटेन. ई वाला, राहुल शुड बी एबल टू टेल द डिफरेंस. राहुल शुड नॉट बी एबल टू टेल द डिफरेंस. एफ, मदर कैन नॉट टेक मी टू स्कूल टूडे. तो मदर कैन, यहाँ पे नॉट है तो नॉट हटा दिया, मदर कैन टेक मी टू स्कूल टूडे. जी वाला, वी शुड मेक अ मूव नाउ. तो वी शुड नॉट मेक अ मूव नाउ, यहाँ लिखा है. ओमकार कैन नॉट फास्ट फॉर लॉन्ग अर्थ. तो ओमकार कैन फास्ट फॉर लॉन्ग अर्थ. ओके स्टूडेंट्स, तो अब तो आपको समझ में आ गया कि कैन, कैन नॉट, शुड और शुड नॉट कब यूज़ करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.